बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीरन क्लासेस के चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के 5 क्वेश्चन के साथ जो कि एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस करिएगा जिससे आपको हमारे वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश में महापौर का कार्यालय कितना होता है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 1 वर्ष। और इसका उत्तर है ए 5 वर्ष। नगर निगम का प्रमुख महापौर कहलाता है जिसका कार्यालय 5 वर्ष का होता है। पहले महापौर का चुनाव पार्षदगण करते थे लेकिन वर्तमान में महापौर का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से का मतलब यह है कि वोटिंग करके। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेयर्स टर्म इन मध्य प्रदेश? ए 5 इयर्स, बी 3 इयर्स, सी 2 इयर्स, डी 1 ईयर। एंड द आंसर इज ए 5 इयर्स। द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड मेयर whose tenure is of 5 years. Earlier, the mayor election was done by councillors, but at present, the mayor's election is also done directly. प्रश्न 2, मध्य प्रदेश में ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? A. ग्राम पंचायत के निर्वाचित लोग, B. ग्राम पंचायत के सभी गांव के सभी लोग, C. ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांव के सभी वयस्क लोग, डी ग्राम पंचायत के 35 से अधिक आयु के लोग। इसका उत्तर है सी ग्राम पंचायत में सम्मिलित गांव के सभी वयस्क लोग। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य गांव के सभी वयस्क मतदाता होंगे। ग्राम सभा के अंतर्गत एक या अधिक गांव भी हो सकते हैं। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधान मंडल विधि बनाकर उपलब्ध करे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु विल बी द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा इन मध्य प्रदेश? ऑप्शंस आर ए इलेक्टेड पीपल ऑफ ग्राम पंचायत, B. All of the people of all the villages of Gram Panchayat, C. All the adult people of the village in the village Panchayat, D. People over 35 years of Gram Panchayat. तो इसका आंसर है C. All adult people of the village in the village Panchayat. According to the provision of the 73rd Constitution Amendment, every village will have one Gram Sabha, the members of which will be all adult voters of the village. There may be one or more villages under the Gram Sabha. They will use such powers and will do such things which the state legislature makes available by making a law. प्रश्न 3, मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन किन कारणों के लिए उत्तरदायी है? A. भू अभिलेख संबंधी कार्यों के लिए, B. भू राजस्व करने के लिए, C. सामान्य प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए, D. उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। इसका उत्तर है दोस्तों D. उपरोक्त सभी कार्यों के लिए। मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन प्रमुखतः भू राजस्व, भू अभिलेख, दंड अधिकारी, कोषालय, सामान्य प्रशासन एवं कलेक्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तहसील का प्रमुख तहसीलदार होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ तहसील एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश? A. For land related works, B. To make land revenue, C. For general administration related task, D. For all of the above work. And the answer is D. For all the above work.
तहसील एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क्स असाइंड बाय लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स, मजिस्ट्रेट्स, ट्रेजरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्टर. तहसीलदार इज द हेड ऑफ तहसील. प्रश्न 4, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस है ए 1948, बी 1956, सी 1959, डी 1972. और इसका उत्तर है बी 1956. राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में राजस्व हेतु अलग अलग क्षेत्रों में राजस्व मंडल कार्य थे, लेकिन पुनर्गठन के पश्चात मध्य प्रदेश राजस्व मंडल का गठन किया गया, जो राजपत्र की अधिसूचना द्वारा 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया. क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड एस्टैब्लिश्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए 1948, बी 1956, सी 1959, डी 1972. एंड द आंसर इज बी 1956. Prior to state restructuring, there was revenue division work in different areas for revenue in Madhya Pradesh. But after the reconstitution, the Madhya Pradesh Revenue Board was formed, which was formed on November 1, 1956 by the notification of the gazettes. Prashn 5, Madhya Pradesh Prashasnik Sudhar आयोग कब गठित हुआ? ए 1959, बी 1969, सी 1979, डी 1989. और इसका उत्तर है बी 1969. मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों के लिए 20 जून 1969 को श्री नरसिंह राव दीक्षित की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई, जिसने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी. क्वेश्चन नंबर 5, When did the Madhya Pradesh Administrative Reform Commission begin? A 1959, B 1969, C 1979, D 1989. Answer is B 1969. Madhya Pradesh Administrative Reforms Commission was set up under the chairmanship of Shri Narasingh Rao Dikshit on June 20, 1969 for administrative reforms in Madhya Pradesh, who recommended the establishment of the Lokayukt. तो दोस्तों, इसी के साथ आज के 5 हम आप सबके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके उसके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस करेगा. इससे आपको फायदा ये होगा कि हम जब भी आपके लिए कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप उनके साथ जरूर शेयर करिए जो एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों, स्टडीज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए. थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय.